तो गाइस स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्नो आर्म में, और लेके आ गया मैं आज आपके लिए एक स्पेशल वीडियो। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला, मतलब जो भी कोई लोग परचेस करते हैं अच्छा कैमरा अच्छा बैटरी बैकअप वाला फोन, तो वो चूज नहीं कर पाते हैं या फिर उनको खरीदने में बहुत ही दिक्कत होती है। तो मैंने बहुत ही मेहनत करके ये जो वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आपको 5 ऐसे स्मार्टफोन के बारे में बताया जिसमें आपको अच्छा कैमरा और अच्छा बैटरी मिलेगा, वो भी 20,000 के अंदर में। और ये जो सारे स्मार्टफोन है ये 2020 के सबसे नए स्मार्टफोन है। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और नॉलेजेबल होने वाली है। और वीडियो पर मुझे पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और वीडियो अगर अच्छे लगे वीडियो को लाइक भी कर देना। तो बिना देर करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस पहले स्मार्टफोन की बात करें तो पोको X2 है, जिसकी प्राइस कंपनी ने 17,000 रखी है 6GB RAM 64GB RAM वाले वेरिएंट की। अब बात करें इसके स्पेक्स की, तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले मिलता है। साथ में आपको इसमें फ्रंट में 20+2 मेगापिक्सल का ड्यूल पंच होल कैमरा मिलता है, तो जिसके कारण सेल्फी जो है वो आपको बहुत ही बेटर प्रोवाइड करेगा ये स्मार्टफोन, और पिक्चर की जो क्वालिटी है वो भी बहुत आपको बेटर मिलेगी। और साथ में रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है, जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा मिलता है, जिसमें सोनी का IMX686 वाला जो इमेज सेंसर है वो दिया गया है, तो शार्प क्लियर पिक्चर आपको ये जो इमेज सेंसर है वो प्रोवाइड करेगा। साथ में आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है। और प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन का 730G वाला जो प्रोसेसर है वो इसमें दिया गया है, और इसमें आपको 4500mAh की बैटरी के साथ 27W का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया गया है बॉक्स के अंदर में। तो ये जो स्मार्टफोन है ये कैमरा और बैटरी के मामले में बहुत ही दमदार है और बहुत ही बेस्ट है। तो अगर आपको परचेस करना है तो पोको की वेबसाइट पर या फिर ऑफलाइन स्टोर में आपका जाकर परचेस कर। तो गाइस दूसरे स्मार्टफोन की बात करें तो Realme X2 है, जिसकी प्राइस कंपनी ने 17,000 रखी है 4GB RAM 64GB RAM वाले वेरिएंट की। बात करें स्पेसिफिकेशंस की तो इसमें आपको 6.4 इंच का फुल HD+ सुपर एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है। साथ में फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है, जिसके कारण जो सेल्फी है वो आपको बहुत ही बेटर आने वाली है। और साथ में रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, और ये जो 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है इसमें आपको सैमसंग का GW1 वाला जो इमेज सेंसर है वो दिया गया है, तो शार्प क्लियर और ब्राइटनेस वाली जो इमेज है वो आपको ये जो सेंसर है वो प्रोवाइड करेगा। और साथ ही में आपको इसमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो और 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस दिया गया है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 730G वाला प्रोसेसर है वो दिया गया, तो मल्टीटास्किंग और अदर टास्क जो भी आप इसमें परफॉर्म करेंगे और गेमिंग भी करेंगे तो कोई प्रॉब्लम आपको इसमें देखने को नहीं मिलेगी। और इसी के साथ इसमें आपको 4000mAh की बैटरी दी गई है और 30W का वूक का 4.0 फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया गया है। बाकी ये जो स्मार्टफोन है ये कैमरा और बैटरी के मामले में बहुत ही बेटर है, तो आपको ये जो है परचेस जरूर करना चाहिए, और परचेस करना है तो ऑफलाइन और ऑनलाइन स्टोर में आप जाकर परचेस कर सकते हो। तो गाइस तीसरे स्मार्टफोन की बात करें तो Realme 6 Pro है, जिसकी प्राइस कंपनी ने 18,000 रखी है 6GB RAM 64GB RAM वाले वेरिएंट की। अब बात करें स्पेक्स की तो इसमें आपको 6.6 इंच का फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है, साथ ही में फ्रंट में आपको 16+8 मेगापिक्सल का ड्यूल पंच होल कैमरा दिया गया है सेल्फी के लिए, और रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया, जिसमें 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है मेन कैमरा उसमें आप सैमसंग का GW1 वाले जो इमेज सेंसर है वो दिया गया है, तो शार्प क्लियर और एक ब्राइटनेस वाली जो इमेज है वो ये जो इमेज सेंसर वो आपको प्रोवाइड करेगा। और साथ में आपको इसमें 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस और 2 मेगापिक्सल का मैक्रो लेंस दिया गया है। और प्रोसेसर की बात करें तो इसमें आपको स्नैपड्रैगन का 720G वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया है, साथ में आपको 4300mAh की बैटरी के साथ 30W का फास्ट चार्ज सपोर्ट दिया गया है, जो कि 1 घंटे के अंदर में 0 to 100 आपका जो ये स्मार्टफोन है उसको फुल चार्ज करके देता है। तो ये जो स्मार्टफोन है वो बहुत ही बेटर है 18,000 के अंदर में। तो आपको परचेस करना है तो ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर में आप परचेस कर सकते हो। तो गाइस चौथे स्मार्टफोन की बात करें तो Redmi Note 9 Pro Max है, जिसे कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया है मार्च में, और इसकी प्राइस कंपनी ने 16,500 रखी है 6GB RAM 64GB RAM वाले वेरिएंट की। अब बात करें स्पेक्स की तो 6.6 इंच का आपको इसमें फुल HD+ डिस्प्ले दिया गया है, फ्रंट में आपको 32 मेगापिक्सल का सिंगल पंच होल कैमरा दिया गया सेल्फी के लिए, और रियर में आपको 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा दिया गया, जिसमें 64 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उसमें आपको CMOS इमेज सेंसर दिया गया, तो क्लैरिटी और शार्पनेस वाली जो पिक्चर है वो ये जो इमेज सेंसर वो आपको प्रोवाइड करेगा। और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और इसमें आपको 2 मेगापिक्सल का डेप्थ लेंस दिया गया है, और इसमें आपको स्नैपड्रैगन 720G वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया है, साथ ही में आपको इसमें 5020mAh की बैटरी के साथ 33W का फास्ट चार्ज सपोर्ट भी दिया गया है, तो जिस कारण जो है बहुत ही जल्दी आपका जो स्मार्टफोन है वो चार्ज हो जाएगा, और दमदार बैटरी भी इसमें दिया गया है। और चार्जिंग की बात करें तो इसमें आपको चार्जिंग के लिए टाइप सी पोर्ट दिया गया है, तो कैमरा और बैटरी के मामले में ये जो Redmi Note 9 Pro Max है स्मार्टफोन वो बहुत ही बेटर है, आप ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन स्टोर में जाकर इसे परचेस कर सकते हैं। पांचवें स्मार्टफोन की बात करें तो सैमसंग लवर लोग के लिए, और ये जो स्मार्टफोन है Samsung Galaxy M31 इसका नाम है, और 16,499 रुपये इसकी प्राइस रखी गई है
6GB RAM 64GB RAM वाले वेरिएंट की। बात करें इसके स्पेक्स की तो 6.4 इंच का आपको इसमें सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलता है फुल एचडी प्लस वो भी, और इसमें आपको फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मिलता है यू शेप नॉच के साथ, और साथ में 64 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप मिलता है जिसमें आपको 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो और 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर मिलता है, और साथ में आपको इसमें एक्सिनोस का 9611 वाला जो प्रोसेसर है वो दिया गया जो कि सैमसंग का खुद का प्रोसेसर है, और मल्टीटास्किंग गेमिंग और बाकी जो भी अदर टास्क है आप इसमें इजीली तरीके से परफॉर्म कर पाओगे और इसकी जो परफॉर्मेंस है वो आपको बेटर मिलेगी। और अब तक इस स्मार्टफोन के बारे में अभी तक कोई जो है कंप्लेन नहीं आई है, अच्छी रिव्यू इस स्मार्टफोन से रिलेटेड आई है, और इसमें आपको 6000 mAh की बैटरी दी गई है और कोई भी फास्ट चार्ज सपोर्ट का सिस्टम मतलब कोई भी फास्ट चार्ज सपोर्ट इसमें आपको नहीं दिया गया है। और ये जो M31 स्मार्टफोन है ये बहुत ही पॉपुलर स्मार्टफोन है M सीरीज के अंदर में, और बहुत ही लोग ज्यादा इसे परचेस कर रहे हैं और इसकी तरफ से बहुत ही अच्छी रिव्यू आई है, इसलिए मैंने ये जो स्मार्टफोन है उसको अपने वीडियो में ऐड किया है। और आपको ये जो पांचों स्मार्टफोन में से कोई भी स्मार्टफोन परचेस करना है तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन परचेस कर सकते हो। ये सारे जो स्मार्टफोन है वो कैमरा और बैटरी के मामले में सबसे बेस्ट है और अभी इंडिया में 2020 में बहुत ही पॉपुलर ये जो पांचों स्मार्टफोन है वो बहुत ही चल रहे हैं, तो आपको परचेस करना है तो आप परचेस कर सकते हो। तो गाइस वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ऐसे वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी जब भी हम वीडियो अपलोड करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।